दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट व दोस्त संजू शर्मा। तो आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन पर लेके आया हूं, यहां पर हमारे एक गाने की, दो से तीन गाने की शूटिंग चल रही है। आज बारी बारी से सभी आर्टिस्ट से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस लोकेशन पर आज हम आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसी लोकेशंस को नेट पर ढूंढते रहते हैं, तो वो लोकेशन आज मैं आपको आज अपने इस ब्लॉग में बताने वाला हूं। तो आज के ब्लॉग की हमारी शुरुआत करने जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं एक सुपरस्टार मॉडल निंजा जी, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। निंजा जी कैसा लगा और बताइएगा कैसे हम शुरुआत करें आज के ब्लॉग की। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें मौका दिया अपने ब्लॉग में आने का। और रही बात लोकेशन की, तो ये आप सब देख ही रहे हैं, पीछे दिखा दीजिए सर एक बार लोकेशन। तो हम उधमपुर के आगे जाके एक इलाका पड़ता है रामनगर, और रामबन भी इस साइड ही है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं दूसरी, अच्छा वो दूसरी साइड है। तो आज हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहीं से भाई, इस प्लेस का। एक मिनट मैं आपको मिलाता हूँ पहले, कि थोड़ी बहुत इंट्रो हो जाएगी भाई से। और ये भाई हमारे मैन से अभी आपको मिलाता हूँ। तो भाई आपका नाम? दोस्तों ये है यहाँ के एक टूरिस्ट गाइड, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, और ये आपको बताएंगे कि यहाँ सामना वंज, जो कि मैं थोड़ा आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन अभी बताता हूँ, यहाँ इस लोकेशन का नाम है सामना बंज। यहाँ से आज हम अपने शूटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ हैं एक टूरिस्ट गाइड जो हमें इसके बारे में रूबरू करवाएंगे, इस लोकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो सर नाम आपका पहले? सर मेरा नाम विनोद ठाकुर है, विनोद ठाकुर। मैं यहाँ का लोकल हूँ और मैं एज ए टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पे। अभी फिलहाल थोड़े ही दिन पहले यहाँ पे ये विलेज टूरिस्ट विलेज इनोग्रेट हुआ है, जो डीसी मैन द्वारा किया गया है। क्या बात। तो यहाँ टूरिस्ट विलेज का नाम कुलवंता है, कुलवंता। और ये पूरा ट्रैक रहेगा जहाँ अराउंडवेल से लेकर पूरा आरसी पीक तक, इधर आरसी पीक के ऊपर इसका नाम, पूरा नाम है रामचंद्र पीक। रामचंद्र पीक, देखिए ना आप एक बात सोचिए कि अगर नाम देखिए कितने बड़े बड़े नाम है, रामचंद्र पीक। और सर क्या बोला आपने? सर रामचंद्र पीक इधर है, जो ये काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पे, और इधर पहले राजा महाराजा थे जो इधर राजा हुआ करते थे, मरहोटिया राजपूत होते थे, उसके बाद बंदराल राजपूत थे, उनका इधर उनका एरिया था जो पूरा आरसीपी का। जा रहे हैं हम, आप जा रहे हो आरसीपी? हाँ। तो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको उधर पहुँच के रूबरू होंगे आपके साथ। अपने संजय भाई ने हमें मौका दिया कि चलो आज की ब्लॉग जो हम यहीं से शुरू करते हैं, तो बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे आज की ब्लॉग जो काफ़ी इंप्रेसिव होने वाली है। तो हम इतनी डिफरेंट लोकेशन पर पहली बार यहाँ आए, तो संजय भाई आइए सामने एक बार। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जैसा कि आज के ब्लॉग की एक धमाकेदार शुरुआत करी है इन्होंने, तो आगे के हम और बहुत सारा इनका जो भी काफ़ी सारे एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, आप इनको देखो हर जगह पे एक्टिव रहते हैं निंजा भाई जी। तो आगे भी हम हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हम और भी काफ़ी सारा इंटरेस्टेड आपको बातें बताने वाले हैं और इंटरेस्टेड लोकेशन बताने वाले हैं। लेट्स गो। देखो यहाँ पे हैं बिंदिया जी, ये हैं मेकअप डायरेक्टर भी हैं, ऑलराउंडर मैं इनको बोलूँगा, हर टाइम हर चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं, चाहे आप मॉडलिंग के हिसाब से बोलो, सिंगिंग के लिए तो इनकी लाजवाब सिंगिंग है। हमारे साथ इनका एक गाना आ रहा है, अभी दो गाने हमारे आ रहे हैं, और बाकी यहाँ पे देखिए इस टाइम कर रहे हैं ये मेकअप। बिंदिया जी हमारे ऑडियंस को कुछ बता दो थोड़ा सा। ये क्या बताएंगे? इंसान को हर एक नॉलेज होना चाहिए और तरह तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखिए और अपनी लाइफ को और इंजॉय। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, थोड़ा बिजी है पानी पीने में। डायरेक्टर जी बताइए आज का क्या प्रोग्राम है आपका? आज हम यहाँ पे तीन चार गानों का शूट करने के लिए आए हुए हैं। क्या बात है, एक का भी नहीं, दो का भी, तीन लगातार लगातार शूट चलेगा आज से आगे। और हमारे संजू शर्मा जी, इनका जो गाना अभी आने वाला है उसका शूट होगा आज, उसके बाद हमारे बिंदिया और संजू जी का जो ड्यूट सॉन्ग है उसका भी शूट है, और हमारे रोमी रामनगरिया जी उनके गाने का भी शूट है यहाँ पे आज, और हमारे शंकर दास जी उनके गाने का शूट है, पुरुषोत्तम दुबे जी उनके गाने का शूट है। तो बाकी आपको हमारे मास्टर जी दिखाते रहेंगे। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं, लेकिन इस टाइम काफ़ी बिजी हैं, जिनका आज शूट है यहाँ पे तैयारी चल रही है। जी सर, सर थोड़ा बैक साइड देखिएगा, ये हैं हमारे रोमी रामनगरिया जी, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते हैं ये भी, तो इनका गाने की आज शूट हो रहा है। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप भी बता सकते हैं
कि आपको कहाँ लोग फॉलो करेंगे, कैसे आपका गाना कब मिलेगा लोगों को देखने को? मेरा गाना कोई एक महीने के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा रोमी रामनगरिया पर, तो देखना मत भूलिएगा। ओके जी, इनके गाने को भी आप देख सकते हैं। और मेरा जो हमारा ड्यूट सॉन्ग है वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा कुछ ही थोड़ा रहा है, तो वो हम आपको आज हो जाएगा, कुछ ही दिनों में आपको हमारे YouTube चैनल जम्मू की शान पर देखने को मिल जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी आपको मिलाता हूँ क्योंकि हमें गाँव में आना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बच्चों रुक जाइए, तो काफ़ी मज़ा आता है हमें गाँव में, और गांव के जो बच्चे होते हैं काफ़ी शरारती होते हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? कहाँ गए थे आप लोग? स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप भी उधर बैठो। अच्छा बताइए मुझे, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? आप अच्छा, सबसे पहली बात, आप में से गाना किसको आता है? गाना आता है? डोगरी, हिंदी, तेरे को हैं? और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। आपको क्या आता है फिर बताने में? 1-2 आता है? हैं? 1-2 आता है? हैं? बताओ फिर, 1-2 ही बता दो। यहाँ यहाँ यहाँ, हेलो, आप यहाँ देखो, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, अच्छा संडे मंडे बता रहे, क्या बात है, बहुत अच्छा जी। दोस्तों यहाँ पर मॉडर्स लोगों की मेकअप किया जा रहा है, बिंदिया मॉडल लोगों को तैयार कर रही है जो गाने पे एक्ट करेंगे। ये मॉडल्स जम्मू से आए हुए हैं, काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, और यहाँ पर ड्रोन के साथ शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं ड्रोन्स के साथ पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। और सबसे पहले तो एक बहुत ही फनी पर्सन्स हैं जिनका ये गाना शूट हो रहा है, शंकर दास जी। आपको इसी वीडियो में जब लंच होगा तो मैं आपको उनकी एक फनी वीडियो बताऊंगा, फनी बातें वो बताएंगे आपको, काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा शूट के बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें हमारे गाने का जो शूट होगा उसके बारे में बता देते हैं। ये है ड्रोन शॉट्स, ड्रोन से कैसे शूट किया जाता है गाने को, आसपास के एरिया को कवर किया जाता है और पूरे एरिया को लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये था हमारा गोरिये पहाड़ा दिए, जिस गाने का थोड़ा बहुत शूट पेंडिंग रह गया था उसका ये चल रहा है ड्रोन शॉट। और सबसे ख़ास बात इस बार ये है कि मैं और मेरे खुद के मिसेज, हम दोनों खुद इसमें एक्ट कर रहे हैं दोनों। अभी इस बार किसी भी मॉडल को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम खुद दोनों ही एक्ट कर रहे हैं इस गाने पर। तो एरिया की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरत सा एरिया यहाँ का, आस पड़ोस का जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि शूटिंग इतना आसान नहीं होता, शूटिंग करना काफ़ी पूरा दिन लग जाता है, बहुत मुश्किल से हम शूट करते हैं। तो इसीलिए तो आप लोगों से प्यार मांगते हैं सभी आर्टिस्ट लोग, कि आप लोग जैसे उनको प्यार देते हैं ना, जितना ज़्यादा प्यार देते हैं फिर उतना ज़्यादा खुशी उनको महसूस होती है। तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत सा एरिया जिससे ड्रोन शॉट में लिया जा रहा है, जिसको काफ़ी खूबसूरत लाजवाब, आस पड़ोस का व्यू काफ़ी लाजवाब हमें देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर लोग हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2 से 3 गानों की शूटिंग होगी, अलग अलग एक्टर्स हैं, अलग अलग गाने के लिए अलग अलग एक्टर लोग हैं। ड्रोन्स पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता है, पूरा एरिया जो होता है ड्रोन से कैप्चर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए रुक गया ड्रोन्स अभी, तो अब दूसरा शॉट आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सिंक लिया जा रहा है अभी,
गाने का सिंक जो पेंडिंग था वो भी इसमें लिए जा रहा है अभी। ये भी ड्रोन के थ्रू ही लिया जा रहा है पूरा, सिंक भी ड्रोन के थ्रू ही लिया जा रहा है पूरा। अभी वैसे लंच का टाइम हो चुका है तो चलते हैं अभी लंच करते हैं, क्योंकि अभी हाफ शूट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ के ही एक लोकल पास में एक घर में, हमने हमारा खाना जो प्रिपेयर किया गया तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं। अभी सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और आराम कर रहे हैं सभी लोग। बात है जी, मेरा जूता है जो पानी है। एक बार गा के बता दीजिएगा सर, एक बार बोलिए। हाँ जी बिल्कुल जी, मेरा जूता है जो पानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जो पानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जो पानी। क्या बात है जी, काफी मजा आया। गाना सुन के काफी मजा आ गया भाई। यहाँ काफी भूख लग चुकी है, अभी हम खाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, अभी हम खाना खाते हैं। यस ब्रो, हेलो। अभी खाना खाना चल रहा है अभी। हाँ सर, कैसा लग रहा है? वो रुको बताना आ रहा है, यहाँ पे होम स्टे मिलेगा, रोटी मिलेगी जो बाकी। यहाँ पर अगर आप सामना बंज में आते हो तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा खाने का एंजॉय कर लेते हैं। और ये है हमारे भाई जी जो आज यहाँ सामना बंज रामनगर के पास, सामना बंज में आज हमारी ये गाने की शूटिंग चल रही है और यहाँ पर ये सारा प्रोग्राम इनका किया हुआ है। अरे इतने बिजी हैं इस टाइम खाने में, टूट पड़े हैं, ऐसे टूट पड़े हैं खाने में कि जैसे मैं क्या बताऊं, कि जैसे 6 महीनों से खाना खाया होता। क्या बात है जी, जो खाना खाना काफी टेस्टी है खाना। अच्छा अभी मैं मैम जी से बात करता हूँ, अभी तक तो इनके पास मैं पहुँचा ही नहीं था, तो यहाँ जम्मू से आई हुई हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ गाँव का खान पीन, जो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी, बिल्कुल ऐसे मतलब कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्धता है, हवा में भी, खाने में भी, पानी में भी, तो एंजॉय कर रहे हैं। लोगों में भी है, जो हमारे साथ लोग आए हैं उनमें थोड़ी सी है खोट, कपट 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 है, बाकी यहाँ के लोगों में नहीं है। क्या बात है। दोस्तों खाने की बात करूं तो बहुत ही टेस्टी खाना इन्होंने वहां पे हमें खाने को लगा, काफ़ी मज़ा आया। साग था, दाल थी, चावल थे, रोटियां थी, तो काफ़ी अच्छा हमने खाना, अभी खाना खा चुके हैं सभी लोग। तो उसके बाद थोड़ा सा और ट्रिप आपको दिखाते हैं ऊपर पीक पर, जैसे कि रामचंद्र पीक उन्होंने बोला था, उस पीक की तरफ जाते हैं और वहाँ का भी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी कुछ गाने के काफ़ी सारे शॉर्ट्स पेंडिंग हैं तो वो भी तो अभी लेने हैं हमें। दोस्तों अभी पहुंचे हैं हम एक काफ़ी खूबसूरत सा एरिया लगा हमें, यहाँ रामनगर के पास सामना बंज में है इस टाइम हम, हमारे गाने की शूटिंग चल रही है। तो मेरे साथ हैं आरती जी, ये मेरे साथ गाने में एक्ट करेंगे, इन्होंने पूरे गाने में एक्ट किया है, वैसे ही मेरी मिसी है। तो जो यहाँ की लोकेशन की बात करूँ, काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। अभी इस टाइम जैसे शाम को 4 बज रहे हैं इस टाइम, तो लोकेशन और भी काफ़ी खूबसूरत हो गई है। यहाँ की आसपास का आप व्यू देखोगे, काफ़ी फंटेस्टिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। और ये रामनगर के पास में ही सामना बंज, वैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस एरिए को, काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है और यहाँ आसपास का व्यू जो है ना फंटेस्टिक व्यू है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फीली चोटियां वहां सामने देखने को मिलती हैं, और मैं कहता हूं कि J&K का सबसे ऊंचा एरिया जैसे इसको हम मानेंगे, काफ़ी ऊंचे एरिया है, बहुत ही ऊंचे टॉप पे यहां पे हम पहुंचे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आप क्या लोकेशन पे बुलाया आपने सर, बिना मजाक के खुश कर दिया आपने कसम से। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में मेरी कोई 23 साल उम्र हो रही है, मैं पेरिस में गया हूँ, लंदन में गया, बॉम्बे में एक बार गया था, 10 दिन रह के आया था, पर फर्स्ट टाइम ऐसी लोकेशन देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ की आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत एरिया है, वाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और वैसा ही यहाँ पर खूबसूरत देखने को लग रहा है अभी, जैसे कि सूर्य डूबने वाला है, तो अभी
काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और भी यहाँ का एरिया। वाह, दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी सारे ब्लॉग लेके आते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के साथ साथ हम कुछ एंटरटेनमेंट ब्लॉग भी लाते हैं और बहुत सारे ब्लॉग इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी सोच है कि मैं पूरे ऑल इंडिया के धार्मिक स्थान और कल्चर्स वीडियो इस पर डालूंगा, जिसमें ब्लॉग के माध्यम से मैं पूरे ऑल इंडिया के आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। तो हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।